अगर तुम्हें एक अच्छी सेंसिटिविटी चाहिए तो ही तुम इस वीडियो को पूरा देखना, वरना तुम इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके गेम प्ले में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है सेंसिटिविटी को लेकर, तो आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो को एंड तक देख के पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर ऐसी सेंसिटिविटी तैयार करी है जिससे आपके पास चाहे हाईएस्ट डिवाइस हो या फिर लो एंड डिवाइस, दोनों डिवाइस के लिए मैंने एक ऐसी सेंसिटिविटी तैयार करी है जिससे आपके स्प्रे वगैरह तो अच्छी जाएंगे और आपका रिकॉइल भी अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। लेकिन मैं आपको ये सेंसिटिविटी बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इस सेंसिटिविटी को 2 से 3-4 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो तो ही आप इस सेंसिटिविटी को यूज करना। अगर आप इस सेंसिटिविटी को 2 से 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आपके लिए कोई सी भी सेंसिटिविटी काम नहीं आ सकती। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सेंसिटिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप उस सेंसिटिविटी को कैसे यूज़ करोगे। खासकर मैंने इस वीडियो में लो एंड डिवाइस के लिए ऐसी सेंसिटिविटी तैयार करी है जिससे उनके स्प्रे वगैरह तो अच्छे जाएंगे और उनका रिकॉल भी अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। तो गाइस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने इस वीडियो में बोनस के तौर पर अपने कंट्रोल कोड भी दिए हैं। सेंसिटिविटी रिवील करने से पहले आप कुछ क्लिप्स देख लो। मैं तुम्हें सबसे पहले बेसिक सेटिंग और एडवांस कंट्रोल सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। गाइस ये जो छोटी मोटी सेटिंग्स है ये आपके डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करती है। तो सेंसिटिविटी लगाने से पहले आपको इन छोटे मोटे यहाँ पर कंट्रोल सेटिंग्स को लगा लेना है। गाइस अब मैं तुम्हें मेन चीज़ अपनी सेंसिटिविटी रिवील कर रहा हूँ। और मैं इस सेंसिटिविटी का कोड तो आपको इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन वो एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। और अगर आपको नया कोड चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना किस डिवाइस में ये अच्छे से काम करे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो अपना बोनस भी ले लो।